आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेजोन से शॉपिंग कैसे कर सकते हैं अपने एटीएम कार्ड के थ्रू। राइट, यानी कि आप अमेजोन से सामान खरीदेंगे और जो पेमेंट करेंगे आप, वो आप अपना एटीएम कार्ड से करेंगे, यानी कि आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे आप। तो वो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ, लाइव कुछ ऑर्डर करके दिखाने वाला हूँ और हम पेमेंट अपने एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड से करेंगे। राइट, और मैं आपको और भी तरीके बताऊँगा पेमेंट करने के, बैंक अकाउंट वगैरह और भी कैश ऑन डिलीवरी करना भी बताऊँगा। राइट, तो ये वीडियो को आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके पास यदि अमेजोन का ऐप डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर में जाके अमेजोन का ऐप डाउनलोड कर लें आप। और डाउनलोड कर लेने के बाद मैं ऐप को ओपन करेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के और ओटीपी डाल के सिंपली अकाउंट बना लेंगे इसमें। ये आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉग इन हो जाएंगे। जैसे ही आप इतना करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे। राइट, अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको काफ़ी सारे आइटम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप इनमें से देख लें, आपको कोई भी पसंद आ जाता है जैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। या आपको सामान यहाँ पे नहीं दिखता है जैसे आप खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक वॉच खरीदना चाहते हैं तो वॉच लिख के सर्च कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉचेस फॉर मैन, हम लिख के सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप वॉच फॉर मैन लिख के सर्च करेंगे आपके सामने काफ़ी सारी वॉचेस आ जाएंगी। आप इन्हें देख लें, आप इन्हें पसंद कर लें जो भी आप खरीदना चाहते हैं। इस टाइप से आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लें जो भी आपको चाहिए और आपके सामने काफ़ी सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे यहाँ पे। राइट, आप स्क्रॉल करते जाएं, आपको जो भी पसंद आ जाता है आप उस पर क्लिक कर दें। जैसे मुझे ये वाली वॉच पसंद आ गई है तो इसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। इसको कस्टमर ने 4 स्टार की रेटिंग दी हुई है, दिख रही है यहाँ पे, और इसकी रेट रहेगी, इसकी प्राइस 799 रुपये रहेगी। तो हम इसको खरीदना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। सिंपली जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इसकी साइड में स्क्रॉल करके और भी फोटोज डले हुए हैं जो इसकी फोटोज हम देख सकते हैं। राइट, नीचे स्क्रॉल करेंगे इसके कलर वगैरह दिख जाएंगे आपको, कौन कौन सी कलर हैं, आप वो कलर भी देख लें। राइट, कलर्स पे क्लिक करके आप दूसरा कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्राइस दिख जाएगी इसकी दोबारा, और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको, इसकी वारंटी दिख जाएगी आपको, कितने दिन की वारंटी रहेगी इसकी। फ्री डिलीवरी रहेगी, आप पे ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे। कैश ऑन डिलीवरी मतलब 10 डे रिटर्नेबल डेट रहेगी इसकी। 10 दिन में आप इसे, आपको यदि आपको प्रोडक्ट मिल जाता है आपको पसंद नहीं आता तो 10 दिन के अंदर आप इसे वापस कर सकते हैं। राइट, वारंटी देखने को मिल जाती है इसकी। प्रोडक्ट डिटेल देख लें आप, ब्रांड, कलर, मटेरियल वगैरह, कंट्री, कौन सी कंट्री की बनी हुई है, ये सारी डिटेल दिख जाएगी। अब आप इसे लेना चाहते हैं तो बाय नाउ पे क्लिक कर दें यहाँ पे। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे आप यहाँ पे, इसके बाद में आप यहाँ पे एड्रेस डाल दें, किस एड्रेस पर आप मंगाना चाहते हैं। फर्स्ट में कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे हम, अपना नाम डाल लेंगे। सेकंड नंबर पे मोबाइल नंबर डाल देंगे आप, इस वाले मोबाइल नंबर पे बुक कॉल करेगा डिलीवरी बॉय जो आपको डिलीवरी देने के लिए आएगा। आप यहाँ पे अपना हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या कंपनी वगैरह का नाम डाल दें। आप यहाँ पे अपने एरिया, सेक्टर या विलेज का नाम डाल दें, लैंडमार्क डाल दें यहाँ पे, आपके आसपास कोई हॉस्पिटल, मंदिर, ऐसा कुछ बड़ा सा हो जिसे लैंडमार्क कह सकें आप, वो डाल दें। आप यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डाल दें, आप यहाँ पे अपने सिटी का नाम डाल दें और स्टेट सेलेक्ट कर लें आप यहाँ पे। राइट, और स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद में इस एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। अब मान के चलिए आप किसी गांव वगैरह में रहते हैं तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, हाउस नंबर वगैरह ये सब चीज़ें। आप यदि किसी गांव वगैरह में रहते हैं तो आप अपने पास के किसी कस्बे का या फिर किसी सिटी का, आपकी सिटी का डाल सकते हैं एड्रेस, यदि आपके गांव पर डिलीवरी नहीं आती है तो डाल दें आप। जब भी डिलीवरी बॉय आएगा आपको कॉल करेगा तो आप जाके ले सकते हैं उससे। ये सारी डिटेल डाल देने के बाद में यूज दिस एड्रेस पे क्लिक कर दें आप। अब यहाँ पे आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाएगी कि आप पेमेंट किसके थ्रू करना चाहते हैं। आप यहाँ पे आप अपने अमेजोन पे बैलेंस से पेमेंट कर सकते हैं, आप अपनी अमेजोन पे की यूपीआई से कर सकते हैं। राइट, आप यहाँ पे यूपीआई ऐप से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। आपके घर पे जब सामान आए तब आपको पैसे देने होंगे कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करके। आपके सामने काफ़ी सारे पेमेंट्स ऑप्शंस हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। तो डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड से पेमेंट करने के लिए हम इस पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इंटर डिटेल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इंटर डिटेल पे क्लिक करेंगे हमको यहाँ पे अपने कार्ड की थोड़ी सी डिटेल डालनी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट में अपना नाम डाल देंगे, इसके बाद में कार्ड नंबर डाल देंगे। कार्ड नंबर आपको कार्ड के ऊपर मिल जाता है
जो भी कार्ड होता है उसके कार्ड के फ्रंट में लिखा रहता है, बड़ा सा नंबर रहता है। इसके बाद में आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर लें कि कार्ड की एक्सपायरी क्या है। कार्ड की एक्सपायरी भी आपको कार्ड के ऊपर लिखी मिल जाती है, मंथ में और ईयर में एक्सपायरी सेलेक्ट कर लें आप। एंटर कार्ड डिटेल्स पे क्लिक कर दें ये सारी डिटेल डाल देने के बाद में। इसके बाद में आप यहाँ पे कार्ड का CVV डाल दें, जो कि 3 अंक का रहता है। CVV कार्ड के पीछे लिखा रहता है 3 अंक का, तो वो CVV डाल दें आप यहाँ पे। और CVV डाल देने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद में सेव माय कार्ड एंड पे क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद में आपको यहाँ पे नो थैंक्स कर देना है यदि आपके सामने ऐसा कुछ आता है तो। अभी यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटेल आ जाएगी कि कितने रुपए कटेंगे आपके अकाउंट से, टोटल कितने रुपए का पड़ रहा है आपको आइटम, डिलीवरी चार्ज वगैरह सब मिला के। और इसके बाद में देख लें आप यहाँ पे, इसके बाद में प्लेस योर ऑर्डर एंड पे क्लिक कर दें आप। अभी यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस वाले मोबाइल नंबर पे OTP आएगा जो आपके ATM कार्ड डेबिट कार्ड से लिंक होगा। यानी कि आपका जो ATM कार्ड है वो जिस बैंक का है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उससे जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक OTP आएगा। वो OTP आप यहाँ पे टाइप करेंगे, और OTP टाइप कर देने के बाद में कंफर्म OTP पे क्लिक कर देंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका ऑर्डर भी सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आइटम करेंगे आप यहाँ पे OTP डालेंगे और आपका ऑर्डर हो जाएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। और जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाए इसके बाद में आप यहाँ पे UPI क्लिक करेंगे, और UPI क्लिक करके और योर ऑर्डर्स पे क्लिक करके आप अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं, आपने कौन कौन से आइटम्स ऑर्डर्स किए हैं यहाँ पे। और आप उस पर क्लिक करके पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक करके देख सकते हैं कि वो कहाँ पर पहुँचा, कहाँ पर आया, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे ही आपको डिलीवरी बॉय देने आएगा तो उसका कॉल भी आएगा आपको, आपके एड्रेस पे आएगा उसके साथ में ही, तो आप उससे सामान ले सकते हैं, राइट। तो इस टाइप से आप और भी काफ़ी सारे आइटम्स ऑर्डर कर सकते हैं इसी तरीके से, जितने आप करना चाहते हैं यहाँ पे सर्च कर करके। यदि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी, यदि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।